कि मैं SSC JEE मेंस के रिगार्डिंग गाइडेंस दे रहा हूँ, जो कि कौन कौन सा आपको पेपर IAS प्रीवियस ईयर और SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, जो कि प्रीवियस ट्रेंड से पूछा जाता है SSC JEE मेंस में, जो IAS के क्वेश्चन है, SSC के क्वेश्चन है, तो उसी कड़ी में जो है स्टील डिजाइन से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो हम लोग को प्रैक्टिस करके जाना है, उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ कि यही जो है वो सिलेबस है स्टील का। आप लोग जानते होंगे स्टील का डिज़ाइन का सिलेबस, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, रूफ, ट्रस, प्लेट, गर्डर है, ठीक है। और जो अभी तक स्पेसिफिकली SSC ने पूछा है स्टील से, वो स्ट्रक्चरल फास्टनर से, टेंशन, कंप्रेशन और फ्लेक्शन मेंबर से पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को इसी सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना है एग्ज़ाम में, जिससे कि हम मार्क्स, मोर मार्क्स जो है फेच कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस से पूछा हुआ है SSC में 2005 में 15 मार्क्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो है हम लोग करके जाएंगे, जो हम लोग को सूटेबल एंगल थिकनेस और रिवेट डायमीटर क्या होना चाहिए वो पूछा गया है। तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज़ करके एरिया निकाल के, कनेक्टेड नेट का और स्टैंडिंग लेग का और नेट अवेलेबल एरिया के हिसाब से जो है थिकनेस जो है करेंगे। इसमें क्या है कि ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग को करना होता है, मेज़र करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को चेक करना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है चेक कर करके निकालेंगे इस क्वेश्चन को, फिर लास्ट में फाइनली जो भी वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को डिज़ाइन जो इकोनॉमिकल करना होता है, इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट है जो वैल्यू वो लेके डिज़ाइन कर देंगे। ये जो क्वेश्चन काफ़ी बार हम लोग के टाइम में पूछा गया था, तो काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। रिवेट के मैक्सिमम लोड कितना लगना है, पूरा एक फॉर्मेट होता है इस क्वेश्चन का, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लोड निकालना है, फिर जो है रिजल्टेंट फोर्स निकाल के और हम लोग चेक कर लेंगे रिवेट वैल्यू से, फिर मैक्सिमम लोड जो है कितना होगा वैल्यू निकाल देंगे। सेम तरह का क्वेश्चन फिर पूछा गया था, पी लोड निकालना था, हम लोगों को सारा डिस्टेंस दिया है, सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा वगैरह निकाल के और उसके बाद जो मैक्सिमम लोड कितना लगेगा ब्रैकेट पे वो निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि साइज़ ऑफ द वेल्ड पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सेम जो है उसी तरह से जो है सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, IXIY पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसके बाद जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या लगना चाहिए वो चेक कर लेंगे परमिसिबल से, और उसके हिसाब से जो है थिकनेस डिसाइड करके मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड कितना होना चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एडवांस एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द वेल्ड जॉइंट, तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। फिर पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें, मैक्सिमम लोड इन द रिवेट, इसको डिज़ाइन करना सीख लेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक फॉर्मेट पूछा गया पहले उसको तो ज़रूर से कर लेना है। मैक्सिमम फोर्स और लोड ऑन द रिवेट निकाल देंगे। ये जो है रूफ ट्रस का जो है क्वेश्चन है, जिसमें कि सारा जो है डायमेंशंस गिवन है कि कौन कौन सा एंगल सेक्शन हमको लेना है इसमें, और उसके बाद जो है डिज़ाइन करना है वेल कनेक्शन को। तो हर एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसमें थोड़ा जो है प्रोसेस है 12, तो जो है जो भी लेंथ रिक्वायर्ड है, 12 नहीं है, जो भी लेंथ रिक्वायर्ड है वो लेंथ जो है हम लोग वेल्ड का फाइंड कर देंगे। इस सारे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को जो है प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप करना होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर हम लोग जो है सही से जो है वहाँ पे एग्ज़ाम पे जो है एग्ज़ाम में करने में जो है मुश्किल हो सकते हैं। तो मुश्किल ना हो, अच्छे से हम लोग कर पाएँ, इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अलेबल कंप्रेसिबल लोड इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है मिनिमम डिजिटाइजेशन निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, चेक करेंगे टेबल से, और फिर जो है वैल्यू पुट करेंगे। ये टी सेक्शन है जो, ठीक है, इसमें प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालने पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग जो टी सेक्शन का सीख लेंगे एक पूरा, इसे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालना भी सीख लेते हैं, और जो फाइनली जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकाल देंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्ट अप कॉलम कंपोज ऑफ द टू चैनल सेक्शन बैक टू बैक, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन करना है प्रॉपर, 20 मार्क्स क्वेश्चन है, स्टेप बाई स्टेप जो है हम लोग को प्रिपेयर करके जाना है इस क्वेश्चन को। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है,
तो हम लोग जो है पॉइंट वाइज जो है इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा हम लोगों, ठीक है ना। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस अपने अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहले पूछा भी हुआ है SSC में, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके फिर से जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिज़ाइन द स्प्लाइस डबल कवर पर जॉइंट, नंबर ऑफ वेफर्स वगैरह निकाल के, और हर एक सेक्शन पे जो क्रिटिकल सेक्शन पे चेक करते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है करके जाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार गेट वगैरह में पूछा है, IGS का प्रीवियस ईयर है तो अच्छे से करके जाना है उसको भी। सर्कुलर शाफ्ट ऑफ द डायमीटर पूछा गया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वेल, जो वेल से हम लोग ज्वाइन करेंगे उसके लिए, तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप करके चाहिए। ये इंडस्ट्रियल सेट से हैं, एक एक टॉपिक मैंने उठाया है इसलिए क्योंकि पूछा नहीं जाता ये सबसे, लेकिन मे भी इस बार पूछ दें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है तो हम लोग को करके जाना है। तो इसका जो है डिज़ाइन हम लोग लेंथ निकालना है, तो पहले भी जो है एक बार पूछा गया था लेंथ वाला वेल्ड का, तो हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये कुछ मेरिट्स या मेरिट्स ऑफ द वेल्डेड जॉइंट का है और एक न्यूमेरिकल, उसको देख लेंगे ना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एजम्पशंस मेड फॉर द डिजाइनिंग रिवेटेड कनेक्शन इन द जॉइंट इन स्टील, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि SSC मिक्स टाइप का क्वेश्चन बनाता है, कुछ थियोरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट से जो है ही पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन में, डिफरेंट करता है, वेरी करता है क्वेश्चन, मतलब कोई बिल्डिंग मटेरियल्स का, कोई सॉइल का, इसीलिए हम लोग को जो है अपने आप को वास्ट रखना है कि हम लोग क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको करके जाना है हमको, इसे काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और पार्ट वाइज अगर पूछ दिया जाएगा तो काफ़ी हेल्प होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को करके जाना है, टाइम कम हो तो इसको जो है अटेम्प्ट ना ले अगर लास्ट में ये पढ़ रहा है तो क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन जरूर से करके जाएं, बीम का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी जो है कैलकुलेटिव नहीं है ये, इसको जो है हम लोग आराम से कर सकते हैं, सिर्फ परमिसेबल लोड निकालना था। ये भी क्वेश्चन डायग्राम देख के लगता है कि जो है काफ़ी बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको जो है आराम से आप करके जा सकते हैं। 2015 पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से जो है स्टील का जो है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट किया है, इसमें जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है घूम फिर के यहीं सबसे क्वेश्चन आएंगे, और आपने जो प्रैक्टिस की है, रिविज़न किया है, लगभग उसी से क्वेश्चन मैच होते हुए आप लोग को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेरी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है, आप जो है आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग जो है सारे सब्जेक्ट जो जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने जो है उस पर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जो है अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।